क्या वो छोटा लड़का रेगिस्तान में मर गया बाबा? नहीं, ईश्वर इश्माइल और उनकी माँ इगार को नए मुल्क में ले आए। वही ईश्वर जो पहाड़ पर रहता है? मोसेस, हो सकता है मेरे बच्चे। मोसेस, तुम्हारी माँ बुला रही है। क्या है? मोसेस, वहां एक आदमी है भेड़ों के बीच। तुम रुको। तुम ये भोपू बजाते रहो गोशेब, पर मां के आने तक यही रुकना बेटा। वहां उस तरफ चट्टान के पीछे। तुम्हारी आंखें जितनी खूबसूरत हैं उतनी तेज भी हैं। खताफ पीछे, खताफ पीछे, पीछे खताफ, तुम नीचे आओ। मोसेस, नीचे तोफा। प्रभु की कृपा है कि तुम मिल गए। जोशुआ, जोशुआ, हमें लगा था कि तुम मर गए। गिबर के तांबे की खान में जिंदगी मौत से बदतर है। सेफोरा, पानी लाओ। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तांबा खरीदने वाले एक सौदागर ने तुम्हें जैथ्रो के पास देखा था। जोशुआ, यहां तुम्हें भी बहुत सुकून मिलेगा। सुकून? तुम यहां सुकून से कैसे जी सकते हो जब रहमसीज हमारे लोगों का खून चूसकर शहर बना रहा है? तुम्हें उन्हें मिस्र से निकालना होगा। ईश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वो लोगों का पैगंबर बनेंगे। क्या मैं ईश्वर का वो हाथ हूं? सपोरा, इसे पानी पिला। पानी? रेगिस्तान की धूप ने इसके दिमाग में आग भर दी है। इसका नाम जोशुआ है। मैंने कत्ल किया था ताकि ये जिंदा रहे। सबने कहा कि तुम्हें अपराधी ठहराया गया, पर मैं जानता था कि ईश्वर ने तुम्हें अपनी तलवार उठाने के लिए चुना है। मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं एक भेड़ बकरियां चराने वाला हूं। वो वहां पहाड़ पर रोशनी देख रहे हो? वो दूर जलती हुई आग देख रहे हो? वो जो झाड़ी जल रही है? नहीं, उसमें आग लगी है पर उसके पत्ते नहीं जल रहे। सफरा, ले जाओ इसे और ठीक से खिलाओ पिलाओ। मुझे जरा जाकर उस अनोखे नजारे को देखने दो। Moses, Moses, मैं यहां हूं। अपने पैरों से वो चप्पलें उतार दो, क्योंकि इस वक्त तुम एक पाक जमीन पर खड़े हो। मैं तुम्हारी संतान का ईश्वर हूं। मैं अब्राहम का ईश्वर हूं। मैं आइज़क का ईश्वर हूं और मैं जेकब का ईश्वर हूं। प्रभु परमेश्वर, आप मिस्र में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अपने बच्चों की पुकार क्यों नहीं सुनते? मैंने मिस्र में अपने लोगों पर हो रहे
अत्याचारों को देखा है और उनकी पीठ पर बरसने वाले हर कोड़े के साथ उनकी निकली हुई चीख को सुना है। मैं उनका दर्द जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ मोसेस उस फेरो के पास, क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरे लोगों को मिस्र से निकाल सकते हो। मैं कौन हूँ ईश्वर जो आप मुझे भेज रहे हैं? मैं इन लोगों को गुलामी से कैसे आजाद करवाऊं? मैं उन्हें ऐसा क्या बता सकता हूं जो मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें जो बोलना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तुम उन लोगों को ले आओगे तो वो यहां इस पहाड़ पर मेरी खिदमत करेंगे। मैं उनके दिलो दिमाग पर अपने कायदों की छाप छोड़ दूंगा। इसलिए अब जाओ और मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। पर अगर मैंने आपके बच्चों से कहा कि मुझे उनके पूर्वजों के देवताओं ने भेजा है तो वो मुझसे पूछेंगे कि क्या नाम है उसका, तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं जो हूं वो हूं। तुम उनसे कहना कि मैंने ही तुम्हें उनके पास भेजा है। क्या उस पाक पहाड़ पर इंसान नहीं जा सकते? नहीं, लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र है। तो फिर वो इंसानों से बढ़कर है, वो देखो। उसके चेहरे को देखो। उसने ईश्वर को देख लिया। मोसेस, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चप्पलें। मैं उस पाक जमीन पर खड़ा था। हमें कुछ बता सकते हो मोसेस? मेरी आंखें उसे देख नहीं पाई। वो कुछ बोले? उन्होंने हमारे लोगों के लिए संदेश दिया। वो सही मायनों में ईश्वर हैं। वो इंसान की तरह बोल रहे थे? उनका कोई रूप नहीं, वो परमात्मा है, अनंत काल तक चमकने वाली रोशनी। मैं जानता हूं कि उनकी रोशनी हर इंसान में मौजूद है। क्या उन्होंने तुमसे कुछ मांगा? यही कि मैं मिस्र जाऊं। तुम परमेश्वर के पैगंबर हो। उन्होंने अपने फरमान का दिन तय कर लिया। मैं पानी और रोटी लेकर आता हूं, फिर निकलते हैं। मिस्र में जाने का मतलब मौत। जैसे उसकी मर्जी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर है। मैं मिग्डोल से कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूं और तलवार ले आता हूं। वो अपना पैगाम तलवार से नहीं पहुंचाने वाले, बल्कि भेड़ हाँकने वाली इस लाठी से।